देख रहे हैं राष्ट्र की आवाज हिंदी न्यूज। नमस्कार, मैं हूं सुजीत कुमार और आप देख रहे हैं राष्ट्र की आवाज हिंदी न्यूज। खबर लखीसराय जिले के चानन से है। 2000 रुपए के बंद होने पर जमा करने के क्या गाइडलाइन है? मननपुर में क्या होगा इसका असर? 2000 का नोट बंद हो गया और अब लोग इसे बैंकों में जमा करेंगे। इसको लेकर भारतीय स्टेट बैंक मननपुर बाजार के महेश कुमार ने बताया कि 2000 रुपए का जो भी एक्सचेंज होगा या फिर जमा होगा वो हमारे स्टेट बैंक के रूल मुताबिक होगा। 20000 रुपए का कितना बार भी आप एक्सचेंज करवा सकते हैं। अगर कस्टमर का अकाउंट है तो उनमें भी जमा करवा सकते हैं, उन्हें कोई दिक्कतें नहीं होगी। जिनके पास 50000 रुपए से ज़्यादा है और उनका अकाउंट के YCC कंप्लाइंट है तो भी यह ठीक है, और नहीं है तो पैन कार्ड लगाना अनिवार्य होगा। पैन कार्ड नहीं रहने पर फॉर्म 60 लेकर भी जमा कर सकते हैं और अकाउंट में उनका एंट्री कर लिया जाएगा। इसे 30 नवंबर तक ये जमा कर सकते हैं। वहीं जदयू प्रांतीय महासचिव सह भरुई के पूर्व मुखिया गणेश रजक ने कहा कि 2000 का नोट बंद होने और जारी करने पर लोगों को काफ़ी दिक्कतें उठानी होगी। ये दुखद है, इससे काफ़ी समस्या का निदान होता था पर अब समस्या खड़ी हो जाएगी। इस बंदी का असर ग्रामीण और बिजनेस वाले लोगों पर खास तौर पर पड़ रहा है। इससे केंद्र की सरकार को भविष्य में नुकसान होने की संभावना बन सकती है। चंदन साहब, क्या गाइडलाइन का निकाला गया है कि आज 2000 का नोट जमा करने के आज से स्टार्ट हुआ, उसके बारे में दो वर्ड बताइए। स्टार्ट हुआ, अच्छी सुविधा है, जाके जमा कर देंगे। ज़्यादा थोड़ी है, 2-4-10 पीस होगा, जाके जमा कर देंगे। कौन बैंक में खाता? ग्रामीण में। क्या नाम हुआ? चंदन साहब। क्या चीज़ का दुकान है? गल्ला का। मैं आया मोबाइल नंबर ऐड करवाने के लिए, ठीक है। मोबाइल नंबर ऐड करवाने के चक्कर में मेरा 2 घंटा यहाँ समय बीत गया है, अभी तक कुछ नहीं हुआ है। कार से आया हूँ। क्या नाम हुआ? मुकेश कुमार, पैदल आया। तो मैसेज मोबाइल में नहीं आता, एक दो बार दी एप्लीकेशन लिख के फिर गया 1 घंटा, नहीं हुआ। क्या बोले आपको? अब कुछ करते भेजते वहाँ भेजते, बस यही मैं के लिए आपको खाली परेशान है। हाँ बस। क्या नाम हुआ? मेरा निक्की देवी। आज से जो स्टार्ट है 2000 की पैसा के लेन देन का, उसमें RBI का जो गाइडलाइन के हिसाब से हम लोग काम करेंगे। पैसा जिसको जो जमा करना है, जो इनके पास है 2000 का अवेलेबल नोट, वो सब किया जाएगा। इसमें क्या क्या मतलब, जिसके पास अगर ज़्यादा कम या अकाउंट में आप कितना अमाउंट कर सकते हैं उसके हिसाब से, कोई लिमिट नहीं अभी दिया हुआ है, ठीक है। ये कौन सा बैंक है? ये दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक मननपुर ब्रांच है। 2000 का जो भी एक्सचेंज होगा या जमा होगा, हमारा स्टेट बैंक का ये गाइडलाइन है कि कोई भी आदमी 20000 रुपया कितना बार भी वो आके यहाँ पे एक्सचेंज करवा सकते हैं। अगर उनका अकाउंट है तो अकाउंट में भी आके जमा करवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है किसी भी तरह का। वो ऐसे सर, अगर किसी के पास ज़्यादा होगा तो इसके लिए पैन कार्ड और ये जरूरत? नहीं नहीं, उनका अकाउंट KYC कंप्लाइंट अगर है तो ठीक है, अगर नहीं भी है तो क्या है कि 50000 से ज़्यादा अकाउंट में अगर रहता है तो पैन कार्ड वो ज़रूरी है ना। लेकिन गाइडलाइन क्या है कि वो जमा करवा सकते हैं, अगर नहीं भी है पैन कार्ड तो हम फॉर्म 60 लेकर के उसमें अकाउंट में एंट्री करके कितना भी ये जमा कर सकते हैं। उसका कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि हम 50 से कम नहीं लेंगे या 20 से ज़्यादा है तो हम नहीं लेंगे, वो जमा कर लेंगे। ये कितना दिन तक के लिए? ये है आपका 4 महीना तक का है, 30 नवंबर तक का है जो RBI का गाइडलाइन आया है। ये कौन सा बैंक है? ये भारतीय स्टेट बैंक मननपुर बाजार है। आपका नाम क्या है? महेश कुमार। चंदन साहब, क्या गाइडलाइन का निकाला गया है कि आज 2000 का नोट जमा करने के आज से स्टार्ट हुआ, उसके बारे में दो वर्ड बताइए। स्टार्ट हुआ, अच्छी सुविधा है, जाके जमा कर देंगे। ज़्यादा थोड़ी है, 2-4-10 पीस होगा, जाके जमा कर देंगे। कौन बैंक में खाता? ग्रामीण में। क्या नाम हुआ? चंदन साहब। क्या चीज़ का दुकान है? गल्ला का।